हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट 144 सीआरपीसी के बारे में और इस पर काफ़ी सारा मटेरियल बुक्स में और साथ ही इंटरनेट पे यूट्यूब पे अवेलेबल है। मेरा वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई और मटेरियल, कोई और केस लॉ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आइए समझते हैं कि क्या है 144। बेस्ट होगा कि अगर आप बेयर एक्ट को साथ में रखें अपने, अगर बेयर एक्ट होगी तो आपको मेरी पूरी बात कहानी से क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि चैप्टर की हेडिंग क्या है, वो है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। देखिए, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ये तीन शब्द होते हैं जिसका मतलब एक जैसा लगता है। हम समझते हैं कि क्या होता है पब्लिक ऑर्डर पहले और फिर आगे बढ़ते हैं। पब्लिक ऑर्डर एक छोटा गोला होता है उस बड़े गोले के अंदर जिसको बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी चीज़ है, यानी कि यहाँ पे खतरा कम है और रिस्ट्रिक्शन भी कम होंगे। इसके बाद आएगा पब्लिक ऑर्डर जो कुछ खतरनाक होता है लॉ एंड ऑर्डर से। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होंगे और अधिकार कम होंगे। और इसके भी अंदर आता है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, जिसकी ज़्यादातर बात की जाती है जम्मू कश्मीर के एरिया में, जो इससे भी कम होता है, यानी कि वो और माइन्यूट होता है और वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होते हैं और अधिकार कम होते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जाए और ट्रैंक्विलिटी रहे, इसका जो सब चैप्टर है उसकी ऊपर एक हेडिंग लगी होगी, वो है अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस ऑफ एप्रीहेंडेड डेंजर। अब बात करते हैं कि पर्पस क्या है इस 144 का। 144 का पर्पस आप देखेंगे तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केस है, जो लेटेस्ट आया है 2020 में, वो है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020। यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 106 पे बताया गया है, मैकेनिज्म टू एनेबल द स्टेट टू मेंटेन पब्लिक पीस। दूसरा एक बताया गया है कि टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स टू डील विद इमिनेंट थ्रेट्स टू पब्लिक पीस। अब आपको समझना है कि यहाँ पे बात की जा रही है प्रिवेंटिव मेजर्स की भी, यानी कि ये स्थिति आने के पहले भी और स्थिति के वक्त भी हम ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मजिस्ट्रेट जो होता है वो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एक होता है जुडिशियल और एक होता है एग्जीक्यूटिव। जुडिशियल आप समझ लीजिए कि जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, CJM, इस तरह से। लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जैसे कि होता है आपके DM हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, इसके नीचे SDM हो गया, ये सब होते हैं आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और क्योंकि सिक्योरिटी देने का काम स्टेट का होता है, स्टेट की जो फॉरमोस्ट ड्यूटी होती है, फर्स्ट ड्यूटी ऑफ स्टेट होती है टू गिव सिक्योरिटी टू द पीपल, टू गिव सिक्योरिटी इन सोसाइटी, इसीलिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है ये। इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एंड देयरफॉर इट इज़ गिवन बाय एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो ये है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा बनाया गया 144। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट दो तरह का ऑर्डर दे सकता है, एक होगा मैंडेटरी ऑर्डर और एक होता है प्रोहिबिटरी ऑर्डर। नाम से समझना है आपको कि मैंडेटरी का मतलब कुछ काम करने को कहा जा रहा है, प्रोहिबिट का मतलब है कुछ काम ना करने को कहा जा रहा है। मैंडेटरी ऑर्डर में क्या होता है, सर्टेन एक्शन टू बी टेकन, और प्रोहिबिटरी का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रेनिंग सिटीजन्स फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। कहानी आपको इतने में क्लियर हो जानी चाहिए। अब आपको ये समझना है कि 144 क्या बोलता है, तो आप सेक्शन खोलिएगा तो आपको मैं बताता हूँ वर्ड बाय वर्ड। बताया कि पावर टू इशू ऑर्डर इन केसेस ऑफ न्यूसेंस या एप्रीहेंड डेंजर। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया ऑर्डर। ये जो ऑर्डर होगा ऑफ DM, SDM या अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये होगा रिटन ऑर्डर इन द ओपिनियन ऑफ DM, SDM या अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ओपिनियन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 144 लगने से पहले एक इंक्वायरी होगी, उस इंक्वायरी के बाद, ये एक तरह की प्री इंक्वायरी हो रही है, प्रायर इंक्वायरी, उसके बाद जो मटेरियल फैक्ट्स होंगे उस मटेरियल फैक्ट्स के हिसाब से ही पता चलेगा कि 144 लगाएं या ना लगाएं। देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अंडर द सेक्शन। ये जो सफिशिएंट ग्राउंड्स वर्ड लिखा हुआ है, ये वही इंक्वायरी का नतीजा है, वो जो मटेरियल फैक्ट्स हैं ये वही है। फॉर इमीडिएट प्रिवेंशन या स्पीडी रेमेडी, सच मजिस्ट्रेट बाय ऑर्डर स्टेट द मटेरियल फैक्ट्स। यानी कि जो ऑर्डर लिखा हुआ होगा 144 का, रिटन ऑर्डर, इसके साथ साथ वो फैक्ट्स भी लिखे रहेंगे जो इस इंक्वायरी से निकल के आए हैं, ताकि इसको अगर चैलेंज करना हुआ हो इस ऑर्डर को 144 के हाई कोर्ट में, तो चैलेंज कैसे करोगे इस ग्राउंड्स पे कि ये देखिए क्या लिखा हुआ है उन्होंने, सर्व्ड इन मैनर ऑफ 134 बताता है कि कैसे ऑर्डर को सर्व किया जाएगा। अब 144 लग सकती है अपॉन एन इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी एट लार्ज या जनरल पब्लिक पे। अब अगर ये सर्व करनी होगी कि देखिए आपको दे रहे हैं कि भैया आप पे ये लागू हो गया 144, तो देंगे कैसे, जिस व्यक्ति के खिलाफ है उसको दे देंगे या फिर बाय प्रोक्लेमेशन। अब देखिए, मैंने बताया था आपको कि दो तरह के ऑर्डर होते हैं जो 144 में दिए जाते हैं। पहला क्या है, डायरेक्ट एनी पर्सन टू एब्सटेन फ्रॉम सर्टेन एक्ट।
तो यहाँ पे मना कर रहे हैं कि ये काम मत करो। और दूसरा क्या बोल रहा है, डायरेक्ट टू टेक सर्टेन ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन प्रॉपर्टी, कुछ काम करो अबाउट प्रॉपर्टी। यहां पे मैजिस्ट्रेट क्यों करेगा 144? वो लगाएगा इसलिए क्योंकि प्रिवेंट करना होगा एंडेंजर टू ह्यूमन लाइफ या सेफ्टी, हेल्थ, डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, रायट यानी कि दंगा बलवा सब करने से रोकने के लिए, या फिर अगर होने वाला है तो उसे रोकने के लिए, अगर हो रहा है तो उसको रोकने के लिए 144 लगाएगा। फिर बात करता है क्लॉज टू अबाउट इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के हालात में ही लगाएगा। इमरजेंसी का मतलब कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है अब, या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो सकती है अब, या हो रही है तो उसको रोकने के लिए कर सकता है। डायरेक्ट एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया या जनरल पब्लिक। अब देखिए क्यों लिखा हुआ है, इसका यह मतलब है कि मालूम पड़ा कि अगर 20 ऐसे लोग हैं या 25 लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं लेकिन वो पब्लिक में मिले हुए हैं, हमको पता नहीं वो कौन व्यक्ति हैं, तो हम सब पे लगा देंगे 144, ताकि वो 20 लोग भी अंडर कंट्रोल में आ जाए, उनकी लिबर्टी कंट्रोल में आ जाए, सबकी लिबर्टी कंट्रोल में आ जाए। देखिए जैसे रिस्ट्रिक्शन बढ़ते हैं वैसे लिबर्टी राइट्स घट जाते हैं, इसीलिए पब्लिक ऑर्डर अलग होता है, लॉ एंड ऑर्डर अलग होता है और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट अलग होता है। जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हालात बुरे होते जा रहे हैं, समझ में आना चाहिए। अब देखिए क्या बता रहा है क्लॉज 4, ये बताता है कि ऐसा ऑर्डर जो होगा वो 2 महीने के लिए होगा, यानी कि 2 महीने के पहले खत्म हो सकता है पर मैक्सिमम 2 महीना। अगर इसको बढ़ाना है तो बढ़ा सकती है स्टेट गवर्नमेंट 6 महीने तक, अगर हाल बुरे ही रहे तो। फिर ये बताया गया है क्लॉज 5 में कि जैसे ही मजिस्ट्रेट हटाएगा कैसे इसको, और कैसे हटाएगा इसको स्टेट गवर्नमेंट। तो क्लॉज 5 ये बताता है कि मजिस्ट्रेट हटाएगा इसको ऑन इट्स ओन मोशन, यानी कि खुद से ही, या फिर एप्लीकेशन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी जो इससे परेशान है। जब ये व्यक्ति इसको एप्लीकेशन देगा जो ग्रीव्ड है, तो फिर उसको हम सुनेंगे पर्सनली, और सुनने के बाद ऐसी एप्लीकेशन को तुरंत तुरंत खत्म कर देंगे, यानी कि तुरंत तुरंत को सुन लेंगे, या मानेंगे या तो नहीं मानेंगे। अगर उसके बाद मानते हैं तो ठीक है, 144 हट जाएगी या चेंज हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी। अगर उसके बाद नहीं मानते हैं तो उसको रीजन देंगे इन राइटिंग कि तुम्हारी बात क्यों नहीं मानते। क्लॉज 6 ये बताता है कि क्यों स्टेट गवर्नमेंट इसको कर सकती है, वो बताते हैं कि ऑन इट्स ओन मोशन या फिर एप्लीकेशन ऑफ पार्टी जो उससे अग्रीव्ड है वो भी काम कर सकती है। क्लॉज 7 ये बता रहा है कि अगर किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा रही है तो रिजेक्ट करने के बाद उसको रिटर्न में दिया जाएगा कि क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। अगर हमको फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट को बंद करना है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो बंद कैसे करेंगे, 144 लगा के। लेकिन इसको चैलेंज किया गया 2015 में इन हाईकोर्ट ऑफ गुजरात बाय गौरव सुरेश भाई वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात के केस में, जहां पे ये बोला गया कि 144 का इस्तेमाल टू ब्लॉक इंटरनेट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, ये ठीक है। लेकिन 2017 के बाद अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ टेलीग्राफ एक्ट जो है उसके रूल्स आ गए, रूल्स का नाम क्या था, सस्पेंशन रूल्स, अब उसके हिसाब से ही इंटरनेट को बैन करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो इंटरनेट बैन होगा अब वो होगा अकॉर्डिंग टू सस्पेंशन रूल्स ऑफ टेलीग्राफ एक्ट सेक्शन 7। हमको ये समझना है कि कैसे केसेस हैं इसके। केस है सबसे पहला इसका बाबूलाल पराते वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1960। यहां पे ये बोला गया कि जो पुरानी एक्ट थी ऑफ 1898 जो सीआरपीसी थी, उसका जो 144 था सेम पावर वाला, उसको माना गया था कि इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। और ये बोला गया था कि सिंस द ऑर्डर स्टेट्स द रेलेवेंट फैक्ट्स हाई कोर्ट विल हैव रेलेवेंट मटीरियल, यानी कि इसको चैलेंज किया जा सकता है इन जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि ये रिटन ऑर्डर होगा, इसमें इसके मटीरियल फैक्ट्स लिखे होंगे, इसको हम जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज कर सकते हैं। साथ ही ये बोला गया था कि ये बना है किस लिए, फॉर इमीडिएट प्रिवेंशन ऑफ पर्टिकुलर एक्ट्स टू काउंटर एक्ट डेंजर। फिर बताया गया इसमें कि मजिस्ट्रेट कैन पास एन ऑर्डर फॉर द एंटायर एरिया, अगर पता नहीं चल रहा कि किसने काम किया है तो पूरे के पूरे एरिया में लगा दो 144, ताकि कम से कम पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और पब्लिक सेफ्टी बरकरार रहे। फिर ये बोला गया कि अगर किसी इस ऑर्डर को चैलेंज करना हुआ तो चैलेंज कैसे करोगे, इस ऑर्डर को चैलेंज करने का तरीका ये है कि आप कोर्ट में जाइए और कहिए कि भैया ये ऑर्डर गलत है, या फिर अगर आप फंस गए, फॉर एग्जाम्पल आपने 144 का वायलेशन कर दिया है, आप कोर्ट में गए, आपने कहा कि भैया ये ऑर्डर गलत है आप इसको चेक कर दीजिए, तो इस मामले में ये बताया गया कि इसको चैलेंज किया जा सकता है तब भी जब आप इसके वायलेटर हों, तो भी चैलेंज किया जा सकता है। एक और केस हुआ था ऑफ द ओल्ड एक्ट ऑफ 1898, जहां पे ये चैलेंज किया गया 144 क्लॉज 6 ऑफ द ओल्ड एक्ट इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कमलाकांत मिश्रा, जहां पे ये बताया गया कि देखिए 144 क्लॉज 6 में कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कब इस
ऑर्डर को खत्म किया जाएगा, यानी कि नो टाइम पीरियड इज मेंशन्ड। 144 आप ला सकते हैं अनलिमिटेड, कोई भी पीरियड नहीं है। यहां पे जो नई एक्ट है, यहां पे पीरियड दिया हुआ है ऑफ 2 months and 6 months। यहां पे कोर्ट ने माना कि ऐसा जो अनलिमिटेड पीरियड दिया गया है, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि 144 क्लॉज 6 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ऑफ मधुलेमाए वर्सेस एसडीएम। यहां पे कोर्ट ने रिकंसिडर किया बाबूलाल पराते को, लेकिन यह बात मानी कि इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, 144 इज कॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरी बात यह मानी कि केवल ये यूज होगा इन अर्जेंट सिचुएशंस टू प्रिवेंट हार्मफुल अकरेंसेस इन केस ऑफ इमरजेंसीज, बट इट बी सडन एंड कॉन्सिक्वेंसेज शुड बी ग्रेव। उसी हालात में कि आपको एहसास हो रहा हो कि 144 लगानी जरूरी है, इमरजेंसी इस तरह की आ चुकी है, क्योंकि यहां पर लिबर्टीज को कर्टेल किया जा रहा है, यहां पर लिबर्टीज को रोक लगाई जा रही है, इसीलिए ऐसे ऑर्डर पर बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। साथ ही ये बोला गया कि जुडिशियल स्क्रूटनीस की हो सकती है, और ये बोला गया कि ये ऑर्डिनरी पावर नहीं है, इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। मधुलिमाए के मामले में एक बात और बताई गई कि रीजन क्या होगा 144 का। 144 का रीजन होगा कि टू स्टॉप डिस्टर्बेंसेज ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, रायट्स, एफरे विच लीड टू सबवर्जन ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यानी कि जो पब्लिक ऑर्डर पे खतरा हो उन चीजों को रोकना ही 144 का काम। अब हमको फाइनली क्या समझ में आया है कि इट इज अ रेमेडियल प्रोसेस एज वेल एज प्रिवेंटिव, इट cannot be used to suppress legitimate expression, the order passed in 144 should state the material facts to enable judicial review of the same, it should be in a bona fide manner and reasonable manner and should be passed upon relying on material facts, wo jo state kiye jayenge, this will enable judicial scrutiny of the said। Dusri baat kya likhi hai, magistrate is duty bound to balance the rights and restrictions based on principle of proportionality, यानी कि बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना है, अधिकारों को भी ध्यान रखना है और रिस्ट्रिक्शंस को भी ध्यान रखना है। और दूसरी बात क्या बताई गई है कि रिपीटेटिव ऑर्डर्स ऑफ 144 आर अब्यूज ऑफ पावर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।